श्री क्षमावाणी पूजन। क्षमावाणी का पर्व सुपावन देता जीवों को संदेश। उत्तम क्षमा धर्म को धारो जो अति भव्य जीव कावेश। मोह नींद से जागो चेतन अब त्यागो मिथ्याभिनिवेश। द्रव्य दृष्टि बन निज स्वभाव से चलो शीघ्र सिद्धों के देश। क्षमा मार्दव आर्जव संयम शौच सत्य को अपनाओ। त्याग तपस्या आकिंचन व्रत ब्रह्मचर्य मय हो जाओ। एक धर्म का सार यही है समता मय ही बन जाओ। सब जीवों क्षमा धर्म की महिमा अनुपम क्षमा धर्म ही जग में सार। तीन लोक में गूंज रही है क्षमा वाणी की जय जयकार। ज्ञाता दृष्टा हो समग्र को देखो तम निर्मल भेष। रागों से विरक्त हो ॐ श्री उत्तम क्षमा धर्म अत्र अवतर अवतर संवोषट आह्वाननम्। ॐ रीम श्री उत्तम क्षमा धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट इति स्वाहा स्थापनम्। ॐ रीम श्री उत्तम क्षमा धर्म अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सन्निधिकरणम् परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जीवादिक नव तत्त्वों का श्रद्धा यही सम्यक्त्व प्रथम। इनका ज्ञान ज्ञान है रागा दिक का त्याग चरित्र परम। संते पूर्णिबद्धम जानदि वह अबंध का ज्ञाता है। सम्यक दृष्टि सुजीव आश्रव बंध रहित हो जाता है। उत्तम क्षमा धर्म उर्धारु जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यों से दृष्टि हटाओ निज स्वभाव को पहचानो। निज स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। सप्त भयों से रहित निशंकित निज स्वभाव में सम्यक दृष्टि। मिथ्यात्वादिक भावों में जो रहता वह है मिथ्या दृष्टि। तीन मूढ़ता छ अनायतन तीन शल्य का नाम नहीं। आठ दोष समकित के उत्तम क्षमा धर्म उर्धारु जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यों से दृष्टि हटाओ निज स्वभाव को पहचानो। निज स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा।
अशुभ कर्म जाना कुशील, शुभ को सुशील है मानक रे। जो संसार बंध का कारण वह कुशील न जानत रे। कर्म फलों के प्रति जिन की आकांक्षा और में रही नहीं, उत्तम क्षमा धर्म उर धारु, जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यो से दृष्टि हटाओ, निज स्वभाव को पहचानो, निज स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। राग शुभा शुभ दोनों ही संसार भ्रमण का कारण है। शुद्ध भाव ही एकमात्र परमार्थ बोधधि तारण है। वस्तु स्वभाव धर्म के प्रति जो लेश जुगुप्सा करे नहीं, निर्विचिकित्सक जीव वही है, निश्चय सम्यक दृष्टि वही। उत्तम क्षमा धर्म उर धारु, जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यो से दृष्टि हटाओ, निज स्वभाव को पहचानो, स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय कामबान विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। शुद्ध आत्मा जो ध्याता वह पूर्ण शुद्धता पाता है। जो भावों में जो न मूढ़ है, दृष्टि यथार्थ सदा जिसकी, वह मूढ़ दृष्टि का धारी, सम्यक दृष्टि सदा उसकी। उत्तम क्षमा धर्म उर धारु, जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यो से दृष्टि हटाओ, निज स्वभाव को पहचानो, निज स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। राग देश मोहादिक आस्तव ज्ञानी को होते न कभी, ज्ञाता दृष्टा को ही होते उत्तम संवर भाव सभी। शुद्धातम की भक्ति सहित जो पर भावों से नहीं जुड़ा, उपगुहन का अधिकारी है, सम्यक दृष्टि महान बड़ा। उत्तम क्षमा धर्म उर धारु, जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यो से दृष्टि हटाओ, निज स्वभाव को पहचानो, निज स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। कर्म बंध के चारों कारण मिथ्या
अविरत योग कषाय। चेतयताय न का छेदन कर, करता है निर्वाण उपाय। जो न मार्ग छोड़ कर निज को निज में सुस्थापित करता। स्थिति करण युक्त होता वह सम्यक दृष्टि स्वहित करता। उत्तम क्षमा धर्म उर धारु जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यो से दृष्टि हटाओ निज स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय अष्ट कर्म विध्वंसनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। पुण्य पापमय सभी शुभा शुभ योगों से रहता वह दूर। सर्व संग से रहित हुआ वह दर्शन ज्ञानमय सुखपूर। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित धारी के प्रति गौवत्सल भाव। वात्सल्य का धारी सम्यक दृष्टि मिटाता पूर्ण विभाव। उत्तम क्षमा धर्म उर धारु जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यो से दृष्टि हटाओ निज स्वभाव को पहचानो। निज स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान विहीन कभी भी पल भर ज्ञान स्वरूप नहीं होता। बिना ज्ञान के ग्रहण किए कर्मों से मुक्त नहीं होता। विद्या रूपी रथ पर चढ़ जो ज्ञान रूप रथ चलवाता। वह जिन शासन की प्रभावना करता शिव पथ दर्शाता। उत्तम क्षमा धर्म उर धारु जन्म मरण क्षय कर मानो। पर द्रव्यो से दृष्टि हटाओ निज स्वभाव को पहचानो। ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय माला। उत्तम क्षमा स्वधर्म को वंदन करो त्रिकाल। नाश दोष पचीस कर काटू भव जंजाल। सोलह कारण पुष्पांजलि दश लक्षण रत्न त्रय व्रत पूर्ण। इनके सम्यक पालन से हो जाते हैं वसु कर्म विचूर्ण। भाद्र मास में सोलह कारण तीस दिवस तक होते हैं। शुक्ल पक्ष में दश लक्षण पंचम से दस दिन होते हैं। पुष्पांजलि दिन पांच पंचमी से नवमी तक होते हैं। पावन रत्न त्रय व्रत अंतिम तीन दिवस के होते हैं।
आश्विन कृष्णा एकम उत्सव क्षमा वाणी का होता है। उत्तम क्षमा धार और श्रावक मोक्ष मार्ग को जोता है। भाद्र मास अरु माघ मास अरु चैत्र मास में आते हैं। कम्मं बद्धं पुट्ठं यह तो है व्यवहार कथन। हे अबद्ध स्पृष्ट कर्म से निश्चय का यही कथन। जीव देह को एक बताना यह है नय व्यवहार। अरे जीव देह तो पृथक पृथक है निश्चय कह रहा। निश्चय नय का विषय छोड़ व्यवहार माही करते वर्तन। उनको मोक्ष नहीं हो सकता और नहीं सम्यक दर्शन। दोन्न विनयान वण्यम जाने जो पक्षातिक्रांत होता। चित स्वरूप का अनुभव करता सकल कर्म मल को खोता। ज्ञानी ज्ञान स्वरूप छोड़ कर जब अज्ञान रूप होता। तब अज्ञानी कहलाता है पुगल बंध रूप होता। जह विस भुव भुजंतो वे जो मरण नहीं पा सकता है। ज्ञानी पुगल कर्म उदय को भोगे बंधन करता। मुनि अथवा गृहस्थ कोई भी मोक्ष मार्ग है कभी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित ही मोक्ष मार्ग है सही सही। मुनि अथवा गृहस्थ के लिंगों में जो ममता करता है। मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर भवत भी में ही भ्रमता है। प्रतिक्रमण प्रतिसरण आदि आठों प्रकार के हैं विषकुंभ। इनसे जो विपरीत वही है मोक्ष मार्ग के अमृत कुंभ। पुण्य भाव की भी तो इच्छा ज्ञानी कभी नहीं करता। पर भावों से अर्थ सदा है निज का ही करता धरता। कोई कर्म किसी को भी सुख दुख देने में नहीं समर्थ। जीव स्वयं ही अपने सुख दुख का निर्माता स्वयं समर्थ। क्रोध मान माया लोभादिक नहीं जीव के किंचित मात्र। रूप गंध रस स्पर्श शब्द भी देह सहनन संस्थान भी नहीं जीव के किंचित मात्र। राग देश मोहादि भाव भी नहीं जीव के किंचित मात्र। सर्व भाव से भिन्न त्रिकाली पूर्ण ज्ञानमय ज्ञायक मात्र। नित्य ध्रुव चिद रूप निरंजन दर्शन ज्ञानमयी चिन्मात्र। वाक जाल में जो उलझे वह कभी सुलझ ना पाएंगे। निज अनुभव रस पान किए बिन नहीं मोक्ष वे पाएंगे। अनुभव ही तो शिव समुद्र है अनुभव शाश्वत सुख का स्रोत। अनुभव परम सत्य शिव सुंदर अनुभव शिव से होत प्रोत। निज स्वभाव के सन्मुख हो जा पर से दृष्टि हटाना दान। पूर्ण सिद्ध पर्याय प्रकट कर आज भी पाले निर्वाण। ज्ञान चेतना सिंध स्वयं तो स्वयं अनंत गुणों का भूप। त्रिभुवन पति सर्वज्ञ ज्योतिमय यह उपदेश श्रवण कर हे प्रभु मैत्री भाव हृदय धारो। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उन पर मैं समता धारू। धीरे धीरे पुण्य पाप शुभ अशुभ आसरव संहारू। भवतन भोगों से विरक्त हो निज स्वभाव को स्वीकारू।
दश धर्मों को पढ़ सुन कर अंतर में आए परिवर्तन। व्रत उपवास तपादिक द्वारा करो सदा ही निज चिंतन। राग द्वेष अभिमान पाप हर काम क्रोध को चूर करो। जो संकल्प विकल्प उठे प्रभु उनको क्षण क्षण दूर करो। अणुभर भी यदि राग रहेगा नहीं मोक्ष पद पाऊंगा। तीन लोक में काल अनंता राग लिए भरमाऊंगा। राग शुभा शुभ के विनाश से वीत राग बन जाऊंगा। शुद्धात्मानुभूति के द्वारा स्वयं सिद्ध पद पाऊंगा। पर्यूषण में दूषण त्यागूं बाह्य क्रिया में रमे न मन। शिव पथ का अनुसरण करूं मैं बन के नाथ सिद्ध नंदन। जीव मात्र पर क्षमा भाव रख मैं व्यवहार धर्म पालूं। निज शुद्धातम पर करुणा कर निश्चय धर्म सहज पालूं। निज शुद्धातम पर करुणा ओम रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय जय माला अनर्घ्य पद प्राप्तये पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोक्ष मार्ग दर्शारहा क्षमावाणी का पर्व क्षमा भाव धारण करो। राग द्वेष हर सर्व इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं श्री 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 उत्तम क्षमा धर्मांगाय